दिस इज़ अनदर वीडियो फॉर एनालाइजिंग ट्रांज़िट और इस बार हम ट्रांज़िट अगर एग्ज़ाम्पल uh, लें तो मैं सैटन uh, का एग्जाम्पल दूँगा विथ सैटन प्लेसड इन लेट्स एज थर्ड हाउस एंड दैट टू इन लेट्स लिब्रा चलो शनि अगर आपका तीसरे स्थान पर प्रजेंट है और लिब्रा राशि में प्लेसड है एंड सपोज इट इज़ ट्रांजिटिंग सिक्स हाउस सो सिक्स हाउस इज़ द हाउस ऑफ प्रोफेशन वॉट एवर यू डू रेगुलरली वॉट एवर हैबिचल वर्क यू डू इज सेक्स्थ हाउस डेली डेली जो आप काम करते हो दैट इज सिक्स हाउस तो क्या हुआ तीसरे स्थान का शनि अपने से चौथा एक दो तीन चार अगर आप गिनो तो चौथा चाल ये छठे स्थान पर चलेगा और छठे स्थान पर अगर आप चार स्थान गिनोगे तो केप्रिकॉर्न होगा तो कैप्रिकॉर्न लिब्रा का सैटर्न कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट कर रहा है इसके इफेक्ट्स क्या क्या होंगे आपके बर्ड चार्ट में मैं इस बारे में डिस्कस करूँगा आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वॉट एवर आई एम डिस्कसिंग इट्स इट्स जस्ट टू मेक यू अवेयर कि कैसे बर्ड चार्ट को रीड करते हैं एंड यू कैन फाइंड योर ओन इंटरप्रिटेशन आप किसी हाउस से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट को निकाल लो जैसे थर्ड हाउस थर्ड हाउस का सैटर्न सिक्स हाउस को ट्रांसिट कर रहा है इसका ये मतलब है कि तीसरा स्थान तीसरे स्थान से रिलेटेड चीजें तीसरे स्थान से जुड़ी हुई चीजें आपके छठे स्थान को प्रभावित कर रही हैं, बिकॉज ऑफ सैटर्न शनि के कारण इस तरीके से आपको रीड करना है तो थर्ड हाउस इज योर यंगर ब्रदर लोग बोलते हैं बट एक्चुअली में इट इज योर सब हर वो आदमी जो आपसे छोटा है दैट इज योर थर्ड हाउस आप जिसको भी ऑर्डर दे सकते हो कि भाई ये काम कर दे दैट इज थर्ड हाउस सो थर्ड हाउस में आपके अपने ही छोटे भाई नहीं आते आपके आपके आ, मामा के लड़के हो गए जो आपसे छोटे हो आपके चाचा के लड़के हो गए जो छोटे हो वो दे आर एफेक्टिंग योर सिक्स हाउस सिक्स हाउस इज वॉट योर वर्क वॉट एवर यू रेगुलरली डू हैबिचुअल वर्क और कैसे इफेक्ट कर रहे हैं तो अपने से चौथा अपने से चौथा का मतलब है टू कन्वर्ज आपके काम को कन्वर्ज कर देना आपको रियलाइज़ करा देना अपने वर्क के बारे में आपके वर्क को मटीरियलाइज करा देना तो आपके छोटे भाई बहनों की वजह से आपके सबॉर्डिनेट्स की वजह से आपका जो वर्क है वो मटीरियलाइज होगा ना सनी के इंडिविजुअल इफेक्ट्स भी होते हैं सैटर्न चूकि जिस स्थान पे जाता है उस स्थान को इंक्रीज़ कर देता है किसी भी प्रोसेस में इंट, इंटर करेगा उस प्रोसेस को इंक्रीज करेगा जब सेकेंड हाउस को ट्रांजिट करेगा तो सेकेंड हाउस से रिलेटेड चीज़ें आप बढ़ जाएंगी फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्वेशन थर्ड हाउस में ट्रांजिट करेगा तो जो बोलना होगा ना आपका बोली पे कमांड आ जाएगा मतलब जो भी आप बोलोगे वो बहुत ज़्यादा रिफाइन हो जाएगा फोर्थ हाउस में ट्रांजिट करेगा तो नॉलेज वही नॉलेज आप ग्रास्प करोगे वही एक्वायर करोगे जिसकी ज़रूरत है फोर्थ हाउस इज ऑल्सो अदर पीपल्स पास्ट लोगों का पास्ट होता है तो लोगों के पास्ट के बारे में आपको कितना लेना है कितना छोड़ना है यू विल गेट दैट वन सैट एंड ट्रांसलेट टू फोर्थ हाउस आपका खुद का घर होता है फिफ्थ हाउस इज कनेक्टिंग ज्वाइनिंग एनी कोर्स स्मॉल चिल्ड्रेन लोग दूसरों के बच्चे होते हैं फिफ्थ हाउस इज अलेवेंथ और सेवेंथ तो लोगों को इंटरटेन करना तो ये इंटरटेनमेंट बढ़ जाता है आपका सो दिस इज़ हाउ यू एनालाइज सैटर्न ट्रांजेट तो सैटर्न जब छठे हाउस में ट्रांजेट करेगा तो छठे हाउस से रिलेटेड चीज़ों को इनक्रीज कर देगा फॉर श्योर तो छठे हाउस से रिलेटेड चीज़ें क्या हैं तो so, छठे हाउस से रिलेटेड चीज़ें आपका हैबिचुअल वर्क आपका जो प्रोफेशन होगा आपका जो डेली रेगुलर हैबिट्स होंगे वो बढ़ जाएंगे और क्यों बढ़ेंगे बिकॉज ऑफ सैटर्न सैटर्न चूंकि लिब्रा राशि में है तो लिब्रा जो होता है वो मूवमेंट का कारक होता है किसी एक जगह से दूसरे जगह किसी चीज को मूव करने के लिए हम लिब्रा को देखते हैं तो लिब्रा का लिब्रा के सैटर्न का ट्रांजिट कैप्रिकॉर्न में होने का मतलब है सिक्स हाउस में होने का मतलब है यू आर कॉन्स्टेंटली मूविंग यू आर कॉन्स्टेंटली आपका जो वर्क है इट रिक्वायर्स यू टू मूव थ्रू सिटीज अब केप रिकॉर्न का मतलब होता है रिकॉर्ड्स जमा किया हुआ पैसा बहुत टाइम से जो अपने अकाउंट में जमा कर रखा है तो यू आर मूविंग आपका जो रेगुलर वर्क है यू आर मूविंग बिकॉज ऑफ द मनी या बिकॉज ऑफ द रिकॉर्ड्स या फिर बहुत पॉलिटिकल नेचर होता है कैप रिकॉर्न का तो यू यू आर बींग यू आर रनिंग बिकॉज ऑफ दैट रिकॉर्ड्स तो छठा स्थान योर रनिंग वाई बिकॉज ऑफ सैटर्न आपका काम ऐसे इन जनरल क्या डिफाइन कर रहा है दैट इज अकाउंटिंग वर्क किसी चीज को सहेज के रखना बट लिब्रा का सैटर्न यहाँ पे आ गया तो वो आपको दौड़ा रहा है कि दौड़ो दिस इज हाउ थिंग्स चेंज अराउंड दिस इज हाउ थिंग्स टेक अ टर्न इन योर लाइफ नाउ चूंकि तीसरा स्थान है तीसरा स्थान आपका छोटा भाई बहन होते हैं सब ऑर्डिनेट्स होते हैं और चौथा चाल छठे में इसका मतलब है कि वो आपके घर पर भी आके रहेंगे आपके साथ या फिर आपके प्रोफेशन में आपको ज्वाइन कर लेंगे फोर्थ फ्रॉम इट का मतलब होता है कन्वर्जिंग uh, आपके काम के साथ अपने आप को अलाइन कर रहे हैं आपके जूनियर्स लेकिन जो भी को आपको दौड़ना बहुत पड़ेगा जब भी लिब्रा का सैटर्न सिक्स हाउस में ट्रांजिट करेगा केपरी में बाय नेचर आपका काम है अकाउंटिंग का किसी चीज़ के रिकॉर्ड बनाने का किसी चीज़ को रजिस्टर पे चढ़ाने का बट जैसे ही ये छठे स्थान पे आएगा दौड़ो आप इधर उधर दौड़ते रहो ये चीज़ बढ़ जाती है एक और बात मैं बोलूँगा सैटर्न जो है वो सातवीं दृष्टि आपके बारहवें स्थान पर डालेगा तो बारहवा स्थान स्लीप होता है आपका तो स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगा आपका नींद आपको जल्दी नहीं आएगी और चूँकि ट्वेल्थ हाउस खर्चा होता है एक्सपेंडिचर होता है तो पेनफुल एक्सपेंडिचर्स वैसे एक्सपेंडिचर्स जो आपको नहीं करने के मन थे वो करने लग जाओगे आप अच्छा एक और चीज़ थर्ड हाउस इज शेड्यूलिंग अरेंजमेंट चॉइसेस प्रायोरिटीज तो छठा हाउस छठा स्थान का मतलब हो गया आपका प्रोफेशन यू आर प्रायोरिटाइजिंग योर प्रोफेशन यू आर कंट्रोलिंग योर प्रोफेशन उस ट्थ फ्रॉम सेवेंथ फ्रॉम सेवेंथ का मतलब है लोगों का खर्चा तो लोग कितना खर्चा करेंगे यू यू आर डिटरमाइनिंग दैट रिकॉर्ड एक्सपेंडिचर ये आपका जनरल वर्क हो गया कि लोगों ने खर्चा कहां पे किया वाई बिकॉज कैप्रिकॉर्न इज इन सिक्स लिब्रा के यहां पे आने का मतलब है इस खर्चे को मूव आउट करना लोगों को कहना कि बस हो गया तुम्हारा इतना नहीं खर्च करते पुटिंग दैट होल्ड अच्छा सैटर्न इंक्रीज करता है तो आप अब खर्चे करवाओगे लोगों से बट एट द राइट प्लेस फॉर द राइट थिंग्स लोगों के खर्चे बढ़ेंगे आपके नहीं बढ़ेंगे दिस इज दिस इज हाउ यू इंटरप्रेट जस्ट वन ट्रांजर्ट अब लोग बोलेंगे कि भृगु सरल पद्धति देखो फिर नाइन्थ फ्रॉम फिफ्थ सिक्स फ्रॉम सेवंथ एट्थ फ्रॉम सैटर्न ये सारे टेक्निक्स आप उन पे रहने दो जो ये प्रोपोगेट करते हैं आप अपना सिर्फ इतना देखो कि नेटल प्लेसमेंट कहाँ है और वो ट्रांज़िट कहाँ पे कर रहा है नेटल प्लेसमेंट जो है वो रीज़न बनेंगे इफेक्ट का और ट्रांज़िट जहाँ पे हो रहा है वो उस प्लेस पे इफ़ेक्ट डालेंगे आपको राशि क्लियर होनी चाहिए कि राशि क्या होता है आपको हाउसेस क्लियर होना चाहिए आपको नक्षत्र क्लियर होना चाहिए और उनके चरण पद चारों पद जो होते हैं वो क्लियर होना चाहिए जो कि मैंने अभी मून का एक वीडियो किया था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था ये चार पांच चीज़ें जब आपको क्लियर हैं तब आप ट्रांजिट को मास्टर कर सकते हो ट्रांजिट को मास्टर कर लोगे तो आपको इफेक्ट्स दिखेंगे रियल लाइफ इफेक्ट्स और उसके बाद आप चर दशा विमशोत्तरी दशा योगनी दशा को देखो सपोज आपका सैटर्न सिक्स हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और आपकी उल्का योगनी चल रही है जो कि सैटर्न की योगनी होती है तो सिक्स हाउस से रिलेटेड चीज़ें आपको मिलेंगी प्रोवाइड आपको काम प्रोवाइड कराया जाएगा लोगों के खर्चे प्रोवाइड आपको पैसे दे दिए जाएंगे जाओ तुम इन पर इतना खर्चा करके इनसे ये काम करवाओ इस तरीके से योगनी दशा को रीड किया जाता है योगनी दशा वो दशा होती है जो आप जो आपके साथ होता है आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है वो प्लानट उस चीज़ को आपको प्रोवाइड करता है तो प्लानट का ट्रांजिट इम्पॉर्टेंट बन जाता है प्लानट का ट्रांजिट उस हाउस को इन्फ्लुएंस करता है महादशा का मतलब वो काम कर रहे हो आप और योगनी दशा का मतलब वो काम आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है थ्रू यूनिवर्स सो दिस इज हाउ इंटरप्रिटेशन चेंज अकॉर्डिंग टू वेरियस दशा सिस्टम सबसे पहले आप मास्टर करो ट्रांजिट्स को वंस यू हैव मास्टर्ड द ट्रांजिट्स यू आर केपेबल ऑफ डू predictions. So for more, stay tuned and subscribe.